अलवर के थाना गाजी में एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, जानकारी के अनुसार पुलिस की एक टीम ने मथुरा से आरोपी हंसराज गुर्जर को दबोच लिया है और इस मामले में चार आरोपी पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। वहीं एडीजी विजिलेंस गोविंद गुप्ता भी गुरुवार को थाना गाजी पहुंचे, जहां उन्होंने थाने में गैंगरेप मामले में अधिकारियों से फीडबैक लिया और साथ ही इस घटना के विरोध में भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस प्रदर्शन में विधायक संजय शर्मा, मंजीत चौधरी और जिला अध्यक्ष संजय नरूका सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके अलावा अभिभाषक संघ की ओर से भी कार्य स्थगित कर घटना को लेकर रोष जताया गया है। भाजपा ने भी इस पूरी घटना का विरोध प्रदर्शन किया है। आपको एक खबर बता रहे अलवर से, जहां एक और आरोपी हंसराज गुर्जर को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। थानागाजी से सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला, पुलिस ने पांचवें आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है, हंसराज गुर्जर, जिसका नाम बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी हंसराज गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक बड़ी सफलता पुलिस की मानी जा रही है, जबकि चार आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसका नाम छोटू लाल बताया जा रहा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है उसको पकड़ने के लिए। गैंगरेप मामले में अधिकारियों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। अलवर से आपको खबर बता रहे, जहां हंसराज गुर्जर यानी कि इस दुष्कर्म का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि गैंगरेप मामले में अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है और हंसराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी चंद्रशेखर, बताएं, हंसराज को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ प्रोफाइल उसकी सामने आ पाई है, क्या पहले भी कोई मामला दर्ज है हंसराज पर? जी बताना चाहूंगा लवीना कि हंसराज गुर्जर को मथुरा से पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है, यह चौथा आरोपी था। एक आरोपी अभी फरार है, मुख्य आरोपी छोटे लाल गुर्जर, जिसकी तलाश की जा रही है। हंसराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ कर रहे हैं कि उसके खिलाफ पहले कुछ मामले हैं या नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसको अलवर लाया गया है हंसराज को, और जो जांच अधिकारी है जगमोहन शर्मा वो पूछताछ कर रहे हैं। अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि हंसराज के खिलाफ पूर्व में कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो हंसराज है उसने अपने जीजा के साथ मिलकर इस गैंगरेप में शामिल हुए थे, और जो रिश्ता है दोनों ने उसको दरकिनार करते हुए जो घटनाक्रम को अंजाम दिया है मोहित शर्मा के है, और फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है। जी चंद्रशेखर, ये बताएं कि जो छोटे लाल है, एक आरोपी अभी भी गिरफ्तार है, उसके लिए क्या अपडेट है, क्या लोकेशन उसकी ट्रेस हो पाई है? पुलिस की आईटी टीम की ओर से लगातार मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि छोटे लाल गुर्जर तक पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिस स्थान पर लोकेशन शो की जा रही है वहां पर दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक छोटे लाल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, अलवर दुष्कर्म का यह मामला है जिसमें पांचवें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी हंसराज गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मथुरा से।